आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ट्रेडिंग इंडिकेटर बताने जा रहा हूं जिनका यूज आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कीजिए, चाहे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कीजिए, या फिर चाहे जहां पर भी चार्ट बनते हैं आप वहां पर इन इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। इन इंडिकेटर के थ्रू आप चार्ट में परफेक्ट एंट्री एग्जिट पता कर सकते हैं। पहले हम आपको टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर से परिचय कराते हैं। यह ब्रेकआउट्स को पहचानता है और मार्केट ट्रेंड्स के आधार पर बाय और सेल के सिग्नल्स देता है। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर के साथ आप मार्केट में बड़े मूव्स को पकड़ सकते हैं और अपनी कामयाबी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम स्टोकेस्टिक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। स्टोकेस्टिक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप संभावित ट्रेंड रिवर्सल्स को पहचान सकते हैं और सूझबूझ वाले ट्रेडिंग फैसले ले सकते हैं। ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाएं? तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में एक साफ चार्ट खोलना होगा। हम 5 मिनट के लिए निफ्टी चार्ट ओपन करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट में बहुत अच्छा काम करती है। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स को सर्च करेंगे। उसके बाद हमें टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है, कुछ ऑप्शंस को हाइड करना होगा। इनपुट में एंटर फास्ट 20 को 30 में बदल देंगे। उसके बाद चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में स्टोकेस्टिक इंडिकेटर सर्च करेंगे। इसके बाद हम स्टोकेस्टिक इंडिकेटर विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है, इनपुट में लेंथ 14 को 5 में बदल देंगे और स्मूथिंग 1 को 3 में बदल देंगे। स्टाइल टैब में ब्लू को ग्रीन में बदल देंगे, इसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे, और ऑन रेंज को रेड में बदल देंगे, इसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे जिससे स्पष्ट दिखाई दे। ये इंडिकेटर मार्केट के अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हालात को दिखाता है। अब हमारा कंप्लीटली सेटअप तैयार है। इस वीडियो के अंत तक अपने स्टॉक मार्केट ट्रेड्स में जबरदस्त नतीजे हासिल करने का साफ रोडमैप होगा। इन ट्रेडिंग इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। अब हम सेकंड कंफर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर देखें तो यहां केडी लाइन 50 लेवल अप ट्रेंड है और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम यहां बाय ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट लॉ पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। चलिए अब शॉर्ट पोजीशन को समझ लेते हैं। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। अब हम सेकंड कंफर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर देखें तो यहां केडी लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड है और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बेयरिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम यहां सेल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट हाई पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर का केडी लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बेरिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी हैं, इसलिए हम सेल का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट हाई पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर का केडी लाइन 50 लेवल अप ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बुलिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी हैं, इसलिए हम बाय का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट लॉ पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा।
मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर का केडी लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बेरिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी हैं, इसलिए हम सेल का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट हाई पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर का केडी लाइन 50 लेवल अप ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बुलिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी हैं, इसलिए हम बाय का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट लॉ पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर का केडी लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बेरिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी हैं, इसलिए हम सेल का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट हाई पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। टर्टल्स मॉडिफाइड अलर्ट्स इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर का केडी लाइन 50 लेवल अप ट्रेंड है और मार्केट ने कंफर्मेशन के लिए यहां बुलिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने ये सभी कंडीशन पूरी कर दी हैं, इसलिए हम बाय का ऑर्डर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस करंट मार्केट लॉ पर रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह स्ट्रेटजी वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।